हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो एक कंट्रोवर्सी बन चुका है यूट्यूब में। अब मैं बताता हूँ किस टॉपिक में हमारे बात करने वाले हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, ये हमारे कैनन 6D Mark II से लिया गया है। मैं इसी कैमरे के बारे में कुछ डिसएडवांटेजेस बताऊंगा और कुछ एडवांटेजेस बताऊंगा। अब सबसे पहले डिसएडवांटेजेस की बात करें तो दोस्तों, जैसे ही ये कैमरा लॉन्च हुआ तो सारे यूट्यूबर्स, जितने भी कस्टमर्स हैं जो ये कैमरा परचेज करते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पहली बात, इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है जो 5D Mark IV में दिया गया था। दूसरी बात, यहाँ पे आप डुअल SD कार्ड भी नहीं लगा सकते जो आप 5D Mark IV में लगा सकते। तीसरी बात, यहाँ पे हेडफोन जैक नहीं है जो 5D Mark IV में है। चौथी बात, यहाँ पे फ्लैश लाइट भी नहीं दिया गया है। और पांचवी बात, इसके डायनामिक रेंज को लेके बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। क्या इसका डायनामिक रेंज इतना वर्स है जो कैनन 80D से भी वर्स है? आज हम इसको टॉपिक को एक अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे कि इस कैमरा के क्या प्रोस है और क्या कौनस है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो कैमरा है हमारे इंडिया में, इसका जो बॉडी का जो प्राइस है वो 1,32,000 है। और अगर आप परचेस करते तो आपको अप्रोक्स 1.25 लाख तक मिल जाएगा, मतलब 1,25,000 तक आपको मिल जाएगा, मतलब अगर आप खाली बॉडी लेते हो तो। दोस्तों, अगर आप लेंस के साथ लोगे 24-70 जो 1,60,000 का होगा, और जो 24x105 f/4 2 लेंस वो आपको पड़ जाएगा 1,80,000 का, जबकि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 2,02,000 है। तो अभी स्टार्टिंग में डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, अगर आपको लेना है तो आप ये ले सकते हैं कैमरा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैमरा में क्या खासियत है, क्या ये सब कैमरों से अलग है। अब दोस्तों, इसको आप मिररलेस कैमरा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मिररलेस कैमरा का एक अपना वजूद है, इसका एक अपना वजूद है, ठीक है। तो अब हम इसको एक डिटेल तरीके से लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, 5D Mark IV का जो कीमत है वो $3,500 है बाहर USA में, सिर्फ बॉडी का। और यहाँ पे ये जो कैमरा है ये $2,000 है बाहर, मतलब इंडिया में अगर हम बात करें तो ये जो 6D Mark II है इसका प्राइस रहेगा 1,32,000, और जो 5D Mark IV का है उसका बॉडी का प्राइस रहेगा 2,50,000। तो दोस्तों, आप इसमें देखिए कि इसमें कितना डिफरेंस है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लोग इसको क्यों डिसअपॉइंट ले रहे हैं, क्यों इस कैमरा से डिसअपॉइंट है, क्योंकि इसमें 4K रिकॉर्डिंग नहीं दिया है, DuelSD कार्ड नहीं दिया गया है, हेडफोन जैक नहीं दिया गया है, बहुत कुछ इसमें लोगों को ऐसा नहीं मिला है। पर दोस्तों, आपको 5D Mark IV का जो प्राइस है वो 2,50,000 है और इसका 1,25,000, तो आप देख लो दोस्तों, 1 लाख रुपए से ऊपर तक का फर्क है इसमें, तभी तो आपको इतना कम चीज मिल रहा है। पर फिर भी ये कैमरा में ऐसा क्या खासियत है जो 5D Mark IV में भी नहीं है? तो दोस्तों, ये जो कैमरा है ये फुल्ली आर्टिकुलेटेड LCD है जो 3 इंच का भी टच स्क्रीन है, और 5D Mark IV में आर्टिकुलेटेड डिस्प्ले नहीं है, सिर्फ फिक्स डिस्प्ले दिया गया है। तो ये उससे बेटर यूट्यूबर्स के लिए अच्छा रहेगा, और जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं तो उनको कोई भी एंगल में अगर शूट करना हो तो इजीली शूट कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इसके एक और एडवांटेजेस की। तो दोस्तों, इसमें जो ISO लेवल है वो 40,000 तक है, और 5D Mark IV में जो ISO लेवल है वो थोड़ा सा कम है, पर ये एक्चुअली अच्छा रहेगा लो लाइट फोटोग्राफी के 5D Mark IV के मुकाबले। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैमरा का डायनामिक रेंज को लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुआ है दोस्तों। सब कहते हैं इसका डायनामिक रेंज अच्छा नहीं है, सब कहते हैं इसका जो रॉ फाइल्स है वो बराबर पिछले वाले 6D से भी अच्छी तरह से नहीं निकल कर आया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि ये कैमरा क्यों 100 ISO पे अच्छा डायनेमिक रेंज नहीं मेंटेन कर पाता है। पर दोस्तों, ये ऐसा मतलब नहीं है कि अच्छा डायनेमिक रेंज नहीं होता है, पर इसका जो डायनेमिक रेंज है वो थोड़ा सा स्लाइटली आप डिसअपॉइंट होंगे कंपेरेटिवली कैनन 6D और कैनन 80D। पर दोस्तों, इसका जो ISO लेवल जब आप इसको हाई करेंगे, जैसे 300, 400, 500 पे आप शूट करोगे, तो ये मार्केट में जितने भी फुल फ्रेम कैमरा है उससे भी अच्छा कम्पीट करेगी और उससे अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। क्योंकि दोस्तों, ये एक लो लाइट कैमरा है, तो यहाँ पे ये जो लो लाइट कैमरा है इसका अपना एक खासियत है, इसीलिए 100 ISO पे थोड़ा सा आपको डिसएडवांटेजेस मिलेगा, पर इतना भी नहीं मिलेगा, थोड़ा भी आपको फर्क नहीं पता चलेगा। अगर आप JPEG खींचते ये कैमरा से तो आपको 1% का भी पता नहीं चलेगा, पर अगर आप रॉ फाइल क्लिक करते हैं इसमें और आप जब लाइट रूम में उसको एडिट करने जाते हैं, और अगर आप वो सेम चीज कैनन 6D के Mark II से कंपेयर करते हैं, तो कम से कम आपको थोड़ा सा, एकदम स्लाइटली सा आपको डिफरेंस मिलेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा दोस्तों। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा नॉइजी रहेगा अगर आप 100% जूम करते हैं तभी, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैमरा सबसे बेस्ट है। और दूसरी बात ये
ये जो फूजी XT2 सोनी A7R2 ये जो मिररलेस कैमरा है वो सबसे बढ़िया कैमरा है, पर वो इसके प्राइस में उससे अच्छा उसमें ऑप्शन मिलता है। जैसे कि फूजी XT2 में आपको 4K मिल जाएगा, फिर वाइड ऑटो फोकस पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो बहुत सारे एडवांटेजेस है। हाँ, पर वो थोड़ा सा क्रॉप सेंसर कैमरा कहलाएगा, पर फिर भी वो फुल फ्रेम सेंसर जैसा काम करता है क्योंकि उसके रिजल्ट काफी बढ़िया है और मार्केट में आज के तारीख में नंबर 1 कैमरा है फूजी XT2। और सोनी A7R2 जो कैमरा है वो फुल फ्रेम कैमरा है, लो लाइट कैपेबिलिटीज भी बहुत अच्छी है, पर उसमें क्या है दोस्तों, ये जो 6D Mark II है इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग में डुअल पिक्सल सीमोस ऑटो फोकस मिलेगा जो आपको मार्केट में कोई भी कैमरा में नहीं मिलेगा, ना निकॉन में मिलेगा, ना सोनी में मिलेगा, ना फूजी में मिलेगा, ना पैनासोनिक, ना ओलंपस, किसी में नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 6D Mark II, 80D, 5D Mark IV, जितने भी कैनन के कैमरा है उसमें ही आपको ये सब एडवांटेजेस मिलेंगे, क्योंकि ये जो कैमरा का जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ कैनन ने बनाया है, जो डुअल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी है। आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको पता चल रहा होगा, अगर मैं यहाँ से पीछे जाऊंगा तो कैमरा खुद फोकस करेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, और यहाँ से मैं आगे आऊंगा तो अच्छे से फोकस कर लेगा कैमरा अपने को, कोई भी वहां पे सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये डुअल पिक्सल सीमोस ऑटो फोकस है दोस्तों। अब हम बात करते हैं एक और कॉन्ट्रोवर्सी की, कि लोग बोलते हैं कि ये जो कैमरा है ये कैमरा डिसअपॉइंट करता है जो भी परचेस करता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये कैमरा में ऐसा क्या खासियत है जो मिररलेस कैमरा में नहीं है। दोस्तों ये जो कैमरा है इसमें फुल बैटरी चार्ज करने के बाद आप टोटल 1200 शॉट्स क्लिक कर सकते हैं, और जो मिररलेस कैमरा होते हैं फूजी XT2 और सोनी A7R2 उसमें 350 250 इतने तक का ही आप शॉट्स ले सकते हैं, और उसमें आप 4K भी ले लो तो ज्यादा देर तक आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते दोस्तों। मुझे भी इस कैमरा के बारे में थोड़ी उम्मीदें थी, जैसे कि 4K नहीं है, SD कार्ड नहीं है। दोस्तों अब हम इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में बात करेंगे। इसका प्रोज तो आपको मैंने सबसे पहले बता ही दिया कि ये फुली आर्टिकुलेटेड LCD दिया गया है टच स्क्रीन ऑटो फोकस के साथ, और लाइव व्यू मोड में आप अच्छा शूट कर सकते हैं क्योंकि लाइव व्यू मोड में इसमें हाइब्रिड ऑटो फोकस दिया गया है, तो ये एक सबसे अच्छी बात है दोस्तों। दूसरा, इसमें 45 क्रॉस टाइप पॉइंट्स दिए गए हैं, ऑल क्रॉस टाइप पॉइंट्स है। थोड़ा सा डिसएडवांटेज क्या है इसमें बता देता हूँ आपको, जो क्रॉस टाइप पॉइंट्स है 45 वो सेंटर में है, वो पूरे वाइड में नहीं है। जैसे कैनन ETD में थोड़ा सा वाइड है, 5D Mark IV में वाइड है, पर दोस्तों अगर आप फुल फ्रेम कैमरा लेना चाहते हैं तो आपको यही लेना चाहिए क्योंकि यही एक कैमरा है जो आपके बजट रेंज में बैठ जाता है। तीसरा एक प्रोस इसमें यह है कि ये जो कैमरा है ये थोड़ा लाइट वेट लगता है, थोड़ा कॉम्पैक्ट लगता है। चौथा एक और प्रोस है कि दोस्तों इसमें 26.2 मेगापिक्सल का सीमोस सेंसर है, जो कैनन 6D में सिर्फ और सिर्फ 20 मेगापिक्सल है, और इसमें 26 मेगापिक्सल, तो बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, तो आपके जो इमेजेस हो गए वो काफी शार्प हो गए दोस्तों, जो 6D में आपको नहीं मिलेगा। 6D Mark II में आपको अच्छे शार्पनेस मिलेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैनन ATD लेना चाहिए या 6D Mark II लेना चाहिए। लोग कहते हैं कि ये जो 6D Mark II है ये कैनन ATD का बड़ा भाई है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैं कैनन ATD ही परचेस करने वाला था, पर क्या हुआ कि GST की वजह से उसका रेट थोड़ा हाई हो गया। जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, मुझे 90,000 में मिल रहा था, पर मैंने परचेस किया नहीं, पर GST के बाद उसका 20,000 दोस्तों बढ़ गया। आज के तारीख में मार्केट में 1,10,000, 1,08,000 में आपको मिल रहा है, तो मैं सोचा कि मैं खाली पीली क्यों मैं 20,000 रुपया एक्स्ट्रा दूं GST की वजह से। तो मैंने सोचा अगर 1,08,000 में खर्चा कर ही रहा हूँ तो 10-15 हज़ार डाल के मैं फुल फ्रेम का बॉडी क्यों नहीं ले लूँ, वो सबसे बेस्ट चीज़ है, और साथ में मैं 50 mm का 1.8 लेंस ले लूंगा, सारी मतलब मेरे यूट्यूब के सारे वीडियोस के लिए वो काफी है दोस्तों। तो इसलिए अगर आपका बजट 1 लाख रुपया है दोस्तों तो आप कैनन 6D Mark II ही लेना, क्योंकि आप अगर ATD लेते हैं तो आपको उसमें फुल फ्रेम नहीं मिलेगा। और कैनन 6D Mark II का एक सबसे बड़ा प्रोज ये है कि ये लो लाइट में एक अच्छा फोटो शूट करता है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, ये जो फोटो है मेरे जो दोस्त है रॉबिन, उनका एक मैंने फोटो क्लिक किया है, ऑटो मोड में क्लिक किया है दोस्तों, आप देख सकते हैं सिर्फ लैपटॉप की एक लाइट से उनका फोटो कितना बेस्ट दिख रहा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। दूसरा एक और आपको फोटो दिखाता हूँ जो ऑटो मोड में लिया गया था, इसमें आप देख सकते हैं कि सामने से लैपटॉप का लाइट कितना फोकस कर रहा है और कितना अच्छा इमेज उनका आया है। पर दोस्तों क्यों क्यों ये इतना अच्छा आया है, क्योंकि इसकी जो कैमरा की जो लो लाइट कैपेबिलिटीज है वो सबसे बेस्ट है आज के तारीख में सारे मार्केट में कैमरास जितने भी DSLR है। पर हाँ, सोनी के DSLR के साथ तो कंपीट नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट बाकी सब DSLR के साथ कंपीट कर सकती है, और ये फुल फ्रेम है तो इसलिए जब आप नाइट में फोटोग्राफी करते हैं तो सारे पिक्सल वो लाइट्स को एक साथ मैनेज कर देती है और एक अच्छा आपको शॉट देती है दोस्तों। तो ये इसके प्रोस है।
इसमें सबसे बड़ा कॉन्स ये है दोस्तों, जो 6D का बैटरी ग्रिप था, जो कैनन 6D का था, वो 6D मार्क टू के साथ कंपेटेबल नहीं है। उसके लिए एक अलग से नया बैटरी ग्रिप आया है, वो आपको परचेस करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंट है जिसके पास 6D मार्क 1 है, पुराना बैटरी वाला वो ग्रिप है वो आपको नहीं मिलेगा इसमें। तो दोस्तों अगर आपको ये 6D मार्क 2 लेना है और आपके पास पुराना 6D है और उसका बैटरी ग्रिप है, तो आपको वो बैटरी ग्रिप और 6D दोनों बेचना पड़ेगा और नया बैटरी ग्रिप लेना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है दोस्तों। दूसरा सबसे बड़ा मेरे लिए कौन सा डिसएडवांटेजेस है, ये है कि इसमें हेडफोन जैक नहीं है दोस्तों। बिना हेडफोन जैक के आप खाली वो स्पीकर, जो नॉर्मल सा स्पीकर है, उसमें आप सुनोगे, इतना अच्छा क्वालिटी नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिसअपॉइंट है। बाकी 4K तो नहीं भी होगा तो भी कोई इश्यू नहीं, क्योंकि मेरे को 4K रिकॉर्डिंग करना ही नहीं है दोस्तों। अगर आपको 4K रिकॉर्डिंग करना है दोस्तों, अगर आप कोई वीडियो शूटिंग करते हैं और आप प्रोफेशनल शूटिंग करते हैं, तो आपको फूजी का X-T2 लेना चाहिए, दूसरा सोनी का A7R II लेना चाहिए। ये जो दो मैं कैमरा बता रहा हूँ, ये दोनों 4K कैपेबिलिटीज है। अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं तो ये जो कैमरा है ये आपके लिए नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें सिर्फ 6.5 फ्रेम्स पर सेकेंड है। अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हैं तो आपको फूजी X-T2 लेना चाहिए और सोनी का A7R II लेना चाहिए। और अभी लेटेस्ट सोनी का A9 लॉन्च हुआ है, जो 20 फ्रेम्स पर सेकेंड शूट करता है। तो वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट कैमरा अभी आ चुका है। अगर आप स्पोर्ट्स फोटोग्राफी करते हो तो आप ये ले सकते हैं सोनी का। तीसरी जो यहाँ पे प्रोज ये है कि दोस्तों इसमें जो ISO लेवल है वो 40,000 तक है, तो एक अच्छी बात है। मतलब आप नाइट टाइम पे एक अच्छा इमेज आपको मिलेगा, आपको तो एग्जाम्पल में मैंने बता ही दिया था। अब टाइम लैप्स की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कैमरा है, इसमें एक चीज़ आपको 4K मिल जाएगा कि इसमें आपको 4K टाइम लैप्स आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेजेस है। तो दोस्तों मेरा तो सिर्फ इतना ही मुद्दा था कि मैं आपको क्यों इस कैमरे के बारे में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों लोगों का बहुत इसको कंपेयर कर रहे हैं लोग 5D Mark IV के साथ। पर दोस्तों ये 5D Mark IV के साथ कंपेयर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कैमरा का अपना लेवल है, वो कैमरा का अपना प्राइस है, इसका अपना प्राइस है। तो इस ये जो प्राइस सेगमेंट में जो कैमरा आपको मिल रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है जो आपको उस बजट में मिलना चाहिए। अगर आप 1-1.5 लाख खर्चा करोगे हेडफोन जैक के लिए, डुअल SD कार्ड के लिए, तो क्या होगा दोस्तों, मनी वेस्ट होगा। अगर आप फुल फ्रेम कैमरा लेते हैं तो आपको ये लेना चाहिए, पर अगर आप कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और आपको बजट की कोई टेंशन नहीं है, तो आप 5D Mark IV ही लीजिए दोस्तों, वो कैमरा बेस्ट पोटेंशियल है उसमें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मैं आगे आपके लिए इसके कुछ रिव्यूज लेके आऊंगा, इसके सैंपल्स लेके आऊंगा। फिलहाल मैं कल कोलंबो जा रहा हूँ, तो वहां पे मैं कुछ शूट्स करूंगा, और आप जैसे ही मैं आऊंगा 3-4 दिन में, मैं उसके आपको सैंपल्स बताऊंगा ये कैमरा का क्या पोटेंशियल है, और मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये कैमरा में खासियत क्या है और किस लेवल तक ये लो लाइट फोटोग्राफी कर सकता है। पर अगर आप जेपेग शूट करते हो तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, तो ये कैमरा सबसे बेस्ट है। और रॉ भी शूट करते हो तो भी कोई टेंशन नहीं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूले। और साथ ही में इस कैमरा के बारे में, 6D Mark II के बारे में आप हमें बताइए कि आपको कौन सा फीचर्स इसमें सबसे बेस्ट लगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।